सबसे अधिक जो है ना कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो बड़ी बड़ी कैपेसिटी की है, ये वाली कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, ठीक है ना, ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन। इसके अंदर क्या है, कैपेसिटर तो लगता है बाहर, और ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये रनिंग वाइंडिंग है। थोड़ी सी इसकी पहचान भी ये देख लेना कि रनिंग वाइंडिंग के तार हमेशा मोटे रहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार पतले रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार से की जाती है, इसलिए उसका जो लीड वायर है, ये तो लीड वायर हो गए, तो लीड वायर भी पतले होंगे, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग में मोटा तार लेते हैं, इसलिए इसके लीड वायर मोटे हैं। थोड़ी सी तो ये पहचान हो गई, स्टार्टिंग रनिंग का आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर सीरीज टेस्ट लेंस से आपका चेक कर लो कि कंटिन्यूटी बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, इसी कंटिन्यूटी बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो स्टार्टिंग की रनिंग की दोनों की कंटिन्यूटी बराबर आ रही है। फिर आप रेजिस्टेंस चेक कर लें, रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब आपको एक स्टार्टिंग और एक रनिंग तो कॉमन कर देना है, ये ठीक है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का कॉमन करके एक न्यूट्रल कर देना, तो एक सप्लाई का तार तो इससे जुड़ गया। अब बचे हुए अपने पास में दूसरा सप्लाई का, और ये तार बचे दो। अब ये आपको आइडेंटिफिकेशन है कि पतला तार है इसलिए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये मोटा तार है ये रनिंग वाइंडिंग है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर जोड़ना है, इसमें भी जो कैपेसिटर लगेगा वो 100 से 150 माइक्रोफेराड का होगा, जो अपन अंदर से एक बार देख लेते, नहीं तो मार्केट से लाना पड़ेगा, अभी है नहीं। तो 100 से 150 का भी कैपेसिटर जो है वो इसके सीरीज में, और उसके सीरीज में एक सेंट्रिफ्यूगल स्विच जो इसके रोटर के अंदर है। पिछली बार आपको पूरी मोटर खोल के दिखाई थी, आपको मालूम होगा कि इसके अंदर, पिछली बार मोटर देखी थी ना इसकी, तो मोटर के अंदर एक सेंट्रिफ्यूगल स्विच है जो उसको रोटर की शाफ्ट के ऊपर एक गवर्नर लगा हुआ है जो उसको क्लच को ऑपरेट करता रहता है। अब बाहर से अगर आपको देखना हो तो एक अलग से सेंट्रिफ्यूगल स्विच इस टाइप का है, ये है सेंट्रिफ्यूगल स्विच इस टाइप का जो इसके कवर में लगा हुआ रहता है, ये कवर के अंदर लगा हुआ है। एक तार जैसे यहाँ से कनेक्शन कर दिया, एक पत्ती इसको टच कर रही है, ये ऐसे दबा हुआ रहेगा तो ये कॉन्टैक्ट मिले हुए रहेंगे, सामान्य अवस्था में कॉन्टैक्ट मिले हुए रहेंगे, और रनिंग अवस्था में ये अलग हो जाते हैं। तो ये सेंट्रिफ्यूगल स्विच इसके ढक्कन के अंदर फिट कर रखा है। डिटेल हिस्ट्री जो इसका भी एक वीडियो बना हुआ है वो देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सेंट्रिफ्यूगल स्विच कैसे काम करता है, और उसकी वाइंडिंग के बारे में डिटेल एक वीडियो है पहले जो बना रखा है वो देख लेना। और ये क्लच का जो काम है वो कैपेसिटर शुरू में जोड़ के रखना, बाद में रनिंग में काट देना। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, ये हो गई। अगर मान लो इससे बड़ी मोटर है ना, अगर मान लो 2-3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर की, 3 हॉर्स पावर की, बड़ी से बड़ी सिंगल फेज में 3 हॉर्स पावर से अधिक बड़ी नहीं होती है, फिर तो 3 फेज की मोटर आ जाती है। जो बड़े ज़्यादा काम लेना है तो फिर 3 फेज ले लेंगे, ज़्यादा बढ़िया है। तो उसमें दो कैपेसिटर लगते हैं, वो भी ये कि कैपेसिटर इसमें सेंट्रिफ्यूगल स्विच तो रहेगा ही रहेगा, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर सेंट्रिफ्यूगल स्विच के थ्रू और रनिंग कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर की तरह, ठीक है। तो ये मोटर तो हटा लो, ये कंप्लीट टेस्टेड ओके है, इसमें कैपेसिटर लगा करके टेस्ट करना बाकी रह गया है, तो अपन कैपेसिटर अभी अवेलेबल नहीं है तो बाद में ला के ना उसको रख देंगे, साइड में रख दो। अब जो आती है दूसरी जो वेराइटी है, परमानेंट कैपेसिटर, ये जितने भी पंखे हैं, ये पंखे आपके छत का पंखा, उसका स्टेटर, छत का पंखे का स्टेटर देख लिया आपने, वाइंडिंग भी कर लिया, ये अंदर जो है गहराई में डाली है वो रनिंग वाइंडिंग। पहले क्या है कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो गहराई में होती है, और ऊपर जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो बाहर होती है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, दो तार रनिंग के दो स्टार्टिंग के बाहर निकाल लिए, सिस्टम यही है, दो को एक को एक स्टार्टिंग एक रनिंग लेकर के कॉमन कर दिया, सप्लाई हो गई, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा दिया और रनिंग वाइंडिंग से सप्लाई दे दी, हो जाएंगे कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ये समस्त प्रकार के पंखे, फर्क सिर्फ इतना है कि सीलिंग फैन होता है उसमें ये स्टेटर इस प्रकार से रहता है अंदर, और रोटर जो रिंग है ना बाहर वो घूमती है, तो बाहर रोटर बाहर घूमता है, स्टेटर अंदर ये फिक्स है, स्टेटर मतलब स्थिर अवस्था, तो ये इसका स्टेटर हो गया, और इसका जो रोटर कौन सा होगा जो बाहर घूमता है वो रोटर हो गया, जो रिंग होती है जिसके ऊपर पंखुड़ियाँ लगती हैं, तो छत के पंखे में तो ये हो गया, और टेबल पंखा या कूलर की जो मोटर है तो उसमें ये हो गया, तो स्टेटर तो बाहर है,
रोटर इसके अंदर घूमता है ना। बनावट भी सिद्धांत थोड़ा सा चेंज है, रोटर जो इसके अंदर रख करके फिर घुमाया जाता है। तो रोटर अंदर और स्टेटर बाहर, इसके अंदर ये स्टेटर अंदर रहता था, रोटर आपका बाहर घूमता था। इसमें भी वही चार वायर, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, दो रनिंग वाइंडिंग जो गहराई में है ऊपर की ओर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। चार तार निकलेंगे, इसका जो डिटेल वाइंडिंग डायग्राम अपनों ने एक बना रखा है, वीडियो देख लेना तो आइडिया लग जाएगा। और एक ये भी है, सेम वही है, कंटिन्यूटी इसकी चेक कर लेना, ये बांधा हुआ जो कि दो रनिंग वाइंडिंग हमेशा, दो रनिंग वाइंडिंग के जो तार है वो कलर थोड़ा सा लाल लो ताकि थोड़ा आइडेंटिफिकेशन हो जाए, है ना। और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो तार, सप्लाई वही एक कॉमन करना है और दो कैपेसिटर पे जोड़ देना, एक सप्लाई कैपेसिटर से। अब इनमें घूमने की दो दिशा चेंज करनी है तो आप क्या करते हैं, जैसे ये कॉमन कर रखा था आपने और यहां पर इन दोनों पे कैपेसिटर लगा करके रनिंग वाइंडिंग से सप्लाई दी है, तो रनिंग रनिंग के सिरे आपस में इंटरचेंज करना, ये कॉमन वाला सिरा यहां से हटा के इसको कॉमन बना दो और आप यहां सप्लाई दे दो, ठीक है। स्टार्टिंग अथवा रनिंग के सिरे आपस में इंटरचेंज करके घूमने की दिशा इसकी बदल जाएगी, ये आपका कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। अब एक आता है शेडेड पोल, जो आपने अभी ज्यादा ध्यान दिया नहीं कि बहुत कम छोटी मोटरें होती है उसमें इस टाइप का स्टेटर होता है, इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, रनिंग ही रनिंग है, रनिंग वाइंडिंग ही है ये। स्टार्टिंग का काम जो है वो अंदर एक छोटी सी जो रिंग है, ये रिंग है वो स्टार्टिंग का काम करेगी। वो जो आपने कभी ध्यान दिया नहीं इस बात पे कि यहाँ एक रिंग है, इसका क्या उपयोग है, तो ये रिंग जो है जिसको शेडेड रिंग कहते हैं, ये शेडेड रिंग इस पूरे जो पोल है उस पोल के 1/3 भाग में, 1/3 भाग में शेडेड रिंग होती है। आप इसको नाप ले, मैं यहाँ पर पूरी चौड़ाई इसकी नाप ले, ये 2/3 भाग तो इधर है, 1/3 भाग इधर है, इसके बीच में एक गोल रिंग लगाई गई है कॉपर की, एक रिंग लेकर के इसको शॉर्ट किया गया। यहाँ पर ये दिख जाएगा आपको, कॉपर की एक रिंग है जिसको शेडेड रिंग कहते हैं, ये शेडेड पोल मोटर है, इसमें शेडेड रिंग है, वो यहाँ एक रिंग लगी हुई है। अगर ये आप देखें पूरा चेक करें तो पोल में 2/3 हिस्सा अलग है और 1/3 हिस्से में एक रिंग लगा दी और रनिंग वाइंडिंग कर दी, चार कोयले हैं, चार कोयले इस प्रकार से बना दी हैं, इसका स्टार्ट सिरा बाहर निकला एंड अगले एंड से, इसका स्टार्ट इसके स्टार्ट से, इसका एंड अगले एंड से, तो स्टार्ट स्टार्ट बाहर दो तार बाहर निकल गए, सिंपल सा कनेक्शन हो गया इसका। एक ही वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग ही है, स्टार्टिंग वाइंडिंग वो शेडेड रिंग का काम जो है ना वो है स्टार्टिंग वाइंडिंग करना, वहाँ पर जो ज़्यादा फ्लक्स बनेगी और वहाँ से टॉर्क उत्पन्न होगा। तो इसमें जो घूमने की जो दिशा होती है, इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक हो जाएगा, इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या इस मोटर के घूमने की दिशा बदलने की होती है, इसमें कोई कनेक्शन तो है ही नहीं, दो ही तार हैं, सप्लाई आप ऐसे लगा दो चाहे उल्टा लगा दो, घूमने की दिशा वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसमें मेन भाग से शेडेड पार्ट की ओर घूमने की जो दिशा रहेगी, मुख्य भाग से शेडेड भाग की ओर। अब यहाँ से अपन देखें कि शेडेड भाग यहाँ है 1/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा ऐसा है। अब आप इसमें फिटिंग कर देंगे तो इसका जो रोटर जो घूमेगा वो मेन भाग से शेडेड पार्ट की ओर ही घूमेगा, रोटर इसमें रखा है तो यही डायरेक्शन होगा। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉक होगा, इस साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो आपको इसमें घूमने की दिशा बदलनी हो तो क्या करेंगे, रोटर को, ये स्टेटर को पलटा देंगे, घूमने की दिशा पलटा दो तो घूमने की दिशा का स्टेटर को पलटा दो, वायर को पलटने से नहीं होगा। घूमने की जो दिशा है क्लॉक का एंटी क्लॉक करना है, इसके जो ढक्कन है वो लगा के एक बार देख लेना, और अभी भी एक बार देखें तो क्या है कि ये मेन पार्ट और शेडेड पार्ट, तो मेन पार्ट से शेडेड पार्ट की ओर मूवमेंट होता है इसका, ये आपको देखना हमेशा, इसका एक ही डायरेक्शन होगा, मेन भाग से शेडेड भाग की ओर। अब आप स्टेटर ऐसे लगाओगे तो मेन भाग से शेडेड भाग ये इस प्रकार से हो गया, अगर आपका स्टेटर ऐसे लगा हुआ है तो मेन भाग से शेडेड पार्ट ये हो गया, घूमने की दिशा बदल गई। तो शेडेड पोल मोटर में घूमने की दिशा बदलनी हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेटर को पलट के लगाना पड़ेगा,
अब पलट के लगाना है आपको। अब ये ध्यान रखना कि लीड वायर जो है वो आपकी इधर के बजाय वो इधर निकलेगी, तो थोड़ा सा चेंज आएगा वो डिजाइन में, क्योंकि आपको पहले ध्यान रखना चाहिए था कि उसमें अपन लीड वायर कहाँ रखें, क्लॉकवाइज रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज रखना है। जब बांधने से पहले आपको ये देखना है इसकी कि ये डायरेक्शन कौन सा रहेगा इसका। तो खास तौर से शेडेड पोल मोटर की जब वाइंडिंग करें, वाइंडिंग सिंपल है, चार कोयले बनानी है, फर्मा लिया, कॉइल टर्न गिन लिए और एक कॉइल बना करके इसमें फिट कर दी, कनेक्शन कर दिए, स्टार्ट स्टार्ट एंड एंड जोड़ना जोड़ दिया, कर दिया, कंप्लीट कर दिया, लास्ट में फिट करके चलाने गए तो देखा कि उल्टा घूम रहा है, सीधा कैसे करें, तो स्टेटर को पलटाएंगे तो लीड वायर दूसरी साइड आएंगे, फिर इसको खोलो, बीच में से वायर दूसरी साइड निकालो भाई, तो फिर ढक्कन यहाँ लगाओ, ये होता है इसमें। तो ये आपका हो गया शेडेड पोल टाइप, हो गई आपकी ये किस टाइप की मोटर, कौन सी हो गई ये, शेडेड पोल हो गया, यूनिवर्सल रहेगी, यूनिवर्सल मोटर ये रही आपकी, ये है आपकी यूनिवर्सल मोटर जो मिक्सी की है, वो यूनिवर्सल टाइप है, मिक्सी की मोटर यूनिवर्सल, ठीक है। और ख़ास तौर से इसमें जैसे अभी आपने ये पिछला प्रयोग आपने किया, इसकी फील्ड कोयला आपने बांधी है ना, तो इस प्रयोग को थोड़ा सा लार्ज रूप में करना है, तो इसका एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं। तो इसको बाकी सब छोटी छोटी चीज़ें हैं देख ली, तीन सब को दब हटा लो, ठीक है, ये देख चुके आप, ये सेंट्रिफ्यूगल स्विच भी इसको भी रख दो अंदर, और ये भी हटा लो, इसका काम हो गया, सेंट्रिफ्यूगल स्विच भी रख दो अंदर। अब जो काम करना है मेन, मिक्सी की आपने फील्ड कोइल बांध दी है, ये कौन सा प्रकार है, यूनिवर्सल टाइप, ठीक है, यूनिवर्सल टाइप। जो फील्ड कोइल जली हुई थी आपने डाटा नोट करे हैं सबने, जो कोइल नई बनाई थी डाटा नोट करें ना, जली हुई कोइल निकाली थी, कितने टर्न थे एक फील्ड कोइल में, 280 थे, तो 240 में तो आपने ये 240 के बाद वायर को काट दिया, फिर 40 टर्न की अलग से कोइल बनाई, वो काई के लिए कि आपको मल्टी स्पीड करना है, इसलिए अगर आपको मल्टी स्पीड नहीं करना हो, स्पीड कम ज़्यादा करने वाला नहीं करना है, मिक्सी अपने एक ही स्पीड पे चले ऐसा करना हो तो 280 टन की एक कोयल बना लेते, दूसरी कोयल 280 की बना लेते, लेकिन हमें मल्टी स्पीड करना है, स्पीड कम ज़्यादा करने वाला करना है। तो हमने क्या किया कि इसमें अलग अलग टैपिंग निकाल लिए। अब इसका अपन कनेक्शन बोर्ड पे देखें, उसके बाद ये प्रैक्टिकली ये करके देखते हैं, फिर अपन सप्लाई दे करके इसको टेस्ट करेंगे। अब आपको कनेक्शन करने हैं, थ्री स्पीड मिक्सर है ना ये अपना जो है ना, थ्री स्पीड मिक्सर ग्राइंडर, थ्री स्पीड मिक्सर ग्राइंडर के आपको कनेक्शन करने हैं। तो जो अपनों ने अभी रिवाइंडिंग करा है, कौन सा गेज काम मिले था इसके डाटा यहाँ साइड में लिख दो, कि फील्ड कॉइल हमने बांधी है, तो ये फील्ड कॉइल हमने जो रिवाइंडिंग करी है 240 प्लस 40, ठीक है, 280 टर्न लगाए, और वायर साइज क्या थी, कौन सा गेस था, 28SWG, ठीक है, कंपनी का नाम तो जो भी हो, मिक्सर ये लोकल जो है। अब यहां आपने इंडिकेशन दे दिया था कि ये 240 वाले जो है ना, उस पे अपनों ने ये 240 टर्न जो दिए थे, उस पे अपनों ने एक इंडिकेशन दिया कि पतली स्लीव लगाई ना, ये स्लीव जो पतली वाली है वो 240 टर्न के सिरे हैं, 240 टर्न वाली कॉइल के सिरे जिसमें पतली स्लीव लगाई है, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, ये अपनों ने एक पहचान कर ली, क्योंकि फिटिंग होने के बाद तो मालूम पड़ेगा नहीं, तार का गेज एक जैसा है, तो ये 240 टर्न की जो कॉइल थी उसके सिरे हैं, उस पर हमने पतली स्लीव लगा दी, फिर 40 टर्न वायर को काट करके ना उसी कॉइल के ऊपर 40 टर्न और लगा दिए, ठीक है, ये 40 टर्न और लगा दिए, तो 40 टर्न की जो टैपिंग की कॉइल है उस पर हमने एक इंडिकेशन दे दिया और स्लीव मोटी लगा दी। ठीक इसी प्रकार दोनों कोयलों को हमने कर दिया,
दोनों कोयले, ये 240 और 40, ये ऐसे ही कोयले हमने तैयार कर दिए। अब कनेक्शन की जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये स्टार्ट, ये एंड। आप स्टार्ट सिरा आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसका एंड सिरा आप एक कार्बन ब्रश की साइड दे देंगे, ठीक है, इसका एंडिंग सिरा एक कार्बन ब्रश पे दे देंगे। दूसरा सिरा जो है दूसरी कोयल के एंड से जोड़ना है, ये स्टार्ट और ए एंड, एंड टू एंड, ये एंड सिरा जो है वो आपके से जुड़ गया, तो ये स्टार्ट सिरा आपका बाहर निकला, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें कैसे होगा, इसे कनेक्शन यहां कैसे करने रहे, दिख रहा है ना, दिख रहा है अच्छी तरह। यहां पर ये सिरे हैं आपके 240 के, इधर भी हैं 240 की, ये दो सिरे, बाकी को छोड़ दो आप, इसके कनेक्शन अपन बाद में करेंगे। यहां से अपन चलना शुरू करते हैं, ये स्टार्ट सिरा आ गया इस कॉइल के ऊपर, जैसे चलते हैं जो पहले आया वो स्टार्ट, बाद में आया वो एंड, स्टार्ट एंड, ठीक है, फिर ये स्टार्ट ये एंड। तो ये स्टार्ट सिरा ये हमने एक गठन लगा के सप्लाई के लिए निकाल दिया, ये एंड सिरा है अपन कार्बन ब्रश में लगाएंगे, ये कनेक्शन ऐसे हो जाएगा, देखना ना अच्छी तरह। फिर स्टार्ट एंड हो गया, फिर ये स्टार्ट आया, ये आपका बाहर निकल जाएगा, है ना, फिर ये जो एंडिंग आया वो अगले कार्बन ब्रश में जोड़ देना है, ये अगले कार्बन ब्रश में जोड़ देना दूसरी साइड पे, ठीक है, ये हो गया। ये जो प्रैक्टिकली है और ये थ्योरिटिकली ड्राइंग है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का तालमेल देखना है, तो ये स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, आपका स्टार्ट सिरा सप्लाई का लीड वायर ये एक गठन लगा के बाहर निकाल दिया, तो वो न्यूट्रल हो गया, एंडिंग सिरा था कार्बन ब्रश में लगा दिया, दूसरे कॉइल का एंडिंग ही कार्बन ब्रश में लगाना है, स्टार्ट आपका बाहर आ गया। अगर इसमें कोई टैपिंग नहीं करनी होती तो अपन सीधी सप्लाई यहां फेज और न्यूट्रल देते, यहां फेज और यहां न्यूट्रल दो और मशीन चालू हो जाए, ये चल भी जाएगी अगर आप सही ढंग से इसकी ड्रेसिंग करके चालू करके देखना है, अभी अपन थोड़ी देर बाद चालू करके देख भी लेंगे, लेकिन सारे कनेक्शन एक बार करके देख लेते। तो ये कनेक्शन हो गए, इतना आपको कर दिया, ये 240 वाली ही कोयल काम में लेना है। अगर आप गलती से ये 40 टर्न के कनेक्शन करने लग गए तो नई के नई मोटर में धुआं निकल जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि नई के नई फील्ड वाइंडिंग बाजार से जैसे लेके आओ और पहले इसकी पहचान कर लेना, 40 टर्न कम रेजिस्टेंस वाली जो होगी वो टेपिंग के लिए है, और जो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली है वो मेन वाइंडिंग है, तो मेन वाइंडिंग को ही आपको जोड़ना है, ठीक है ना। थोड़ी सी भी गलती अगर कनेक्शन उल्टे हो गए तो नई की नई वाइंडिंग की भी मोटर, जैसे ये वाली अभी उन्होंने वाइंडिंग करी है, इसमें भी अपने धुआं निकल सकता है गलती से, 240 टर्न के बजाय आप 40 टर्न के कनेक्शन कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये पहला काम ये हो गया, दूसरा आपने को ये न्यूट्रल के लिए छोड़ दो, एक लीड वायर न्यूट्रल के लिए छोड़ दिया, अब आपको स्पीड अलग अलग कनेक्शन करने हैं, ये आपका स्टार्ट ये एंड है, तो 40 वाले में भी ये स्टार्ट हो गया ये एंड हो गया, ऐसे ऐसे इसमें भी स्टार्ट और एंड, ठीक है। अब आपको सेकेंड स्पीड लेनी है ना, जो आपका स्टार्ट है और ये एंड सिरा है इसको आपको जोड़ना है, स्टार्ट और एंड वो इसके साथ एक मिक्स कर दो, ताकि ये 240 के साथ 40 टर्न और प्लस हो गए। अब सप्लाई आपकी यहां दें तो पहले इस कॉइल में करंट जाएगी, फिर इसमें से इसमें हो करके फिर आगे जाएगी, तो 240 और 40
280 हो गए एक साइड में, इस साइड में आपके 240 ही रहेंगे। तो ये आपकी, अगर फिर यहां से आप सप्लाई दो, ये आपका मीडियम स्पीड हो गई, ये पहले वाली थी हाई स्पीड, ये मीडियम हो गई। ठीक है, स्टार्ट से तो ये 40 टन और प्लस हो गए, फिर 240 और, तो ये 280 हो गए इसके। अब फिर ये 40 और जोड़ने बाकी हैं, इनको आपको जोड़ना है इसके साथ। तो ये स्टार्ट सिरा है, तो इसका भी स्टार्ट लो। ठीक है, इसका स्टार्ट लेके और ये मीडियम वाली जो है इस टैपिंग के साथ जोड़ दिया। फिर लास्ट का सिरा जो बच गया, ये आपका लो हो गया, लो मीडियम और हाई। अब आप जो फेस जो देंगे, यहाँ से जो फेस की सप्लाई दी जाएगी वो स्विच के थ्रू, एक बार इधर या एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे बारी बारी से आप या तो ये इस पे लगाओ, ये लो हो गया, इधर लगाएंगे तो मीडियम, इधर लगाएंगे तो हाई। तो सप्लाई आप एक स्विच के द्वारा, ये आपका हो गया एक रोटरी स्विच घुमाने वाला। मतलब रेगुलेटर स्विच हो गया ये, 1 2 3, ये अलग अलग स्पीड से चलेगा ये। अब इसमें कनेक्शन आपके यहाँ देखें, इतना तो आपने कर ही लिया था, है ना? एक पे गठन लगा दी, ये आपका हो गया न्यूट्रल, और ये फेज। एक बात ये लगा के चेक कर लेना। अब इसके साथ आपको कौन सा जोड़ना है, इसका ये स्टार्ट था तो ये टैपिंग वाला एंड, ये सिरा जोड़ो, यहाँ जोड़ दो इसको, कंटिन्यूटी देख लेना, जला के इंसुलेशन जला देना और इसकी ये कनेक्शन बराबर अच्छी तरह देख लो इसके। ठीक है, ये आपका स्टार्ट बज गया, तो अगला स्टार्ट इसका सामने वाली कॉइल का ये रहेगा, ये मीडियम हो गया, ये मीडियम हो गया, ये हाई हो गया, और ये सबसे लास्ट में ये लो हो गया। अब आप सप्लाई लो, एक दिन इसको पकड़ के रखना है, सप्लाई लगा दो, चला के देख लो। इसको तो न्यूट्रल लगाना, एक ये गठन लगा दी, ये न्यूट्रल हो गया, फिर लो मीडियम हाई फेस सप्लाई लोगे, कभी एक बार इधर टच करना, फिर इधर टच करना है, फिर इधर टच करना है, लो मीडियम हाई, ऐसे करके चला लो, बंद कर दो।